नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत, सभी का स्वागत करता हूं फिर मैं। तो चलिए आज नया वीडियो के साथ आया हूं आप लोगों को। फोन में तो जरूर गूगल मैप्स होते होंगे, मैं 100% उम्मीद करता हूं जो गूगल मैप्स सभी लोग यूज करते होंगे, लेकिन उसके अंदर जो हिडन ट्रिक्स है उसका कोई लोग यूज नहीं करते हैं। तो जरूर उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं जो क्या क्या ट्रिक्स आपको होने वाला है। तो जरूर आपको ये ट्रिक्स जानना जरूरी है, और साथ ही साथ मैं एक एडवांस ट्रिक्स देने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा, बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपको मैप चलाने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए मैं आगे मोबाइल स्क्रीन को पूरा ओपन कर लेता हूँ गूगल मैप्स को। मैं गूगल मैप्स को ओपन कर लूँ, ओपन करने के बाद आप लोगों को देख पा रहे जो इसमें प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद इस जगह आप लोग देख पा रहे जो ऑफलाइन मैप्स, तो ऑफलाइन मैप्स में क्लिक करना है। ऑफलाइन मैप से जैसे क्लिक करेंगे आप तो इस जगह दिखाई देगा जो सिलेक्ट योर मैप, और इस जगह सेटिंग दिखाई दे रहा है। जैसे सेटिंग दिखा रहे तो ऑटोमेटिक अपडेट ऑफलाइन मैप्स, तो ऑटोमेटिक इसे अपडेट कर सकता है। ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑफलाइन मैप्स और डाउनलोड रेफरेंस ओवर ओनली वाईफाई कुछ भी आप कर सकते हैं सेटिंग में। तो चलिए मैं सिलेक्टेड एरिया करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना ये जो बॉक्स दिया गया है, जो स्क्वायर दिया है, इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं पहले से सिलेक्ट करके रखा हूँ डाउनलोड करके, मैं उसी जगह से आपको दिखा दूंगा। तो इस जगह डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा जो चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन टू रीच मैप। मतलब मैं अभी तो आपको नेट बंद कर रखा हूँ, इसलिए वैसे नहीं देखा रहा। तो इस जगह डाउनलोड करने के लिए आपको लगभग 100 MB का आसपास ज़रूरत है, तो अभी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज करके इसको ओपन करता हूँ। मैं एक ओपन करके रखा हूँ, और देख सकते हैं मैप वन इस जगह में डाउनलोडेड है, और इसमें 3 डॉट है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको अपडेट, व्यू, रीनेम एंड डिलीट, और तो मैं व्यू में क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं व्यू में क्लिक कर दूंगा तो आपको पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस जगह में क्या होगा, सर्च एंड नेविगेशन विल वर्क ऑफलाइन इन दिस एरिया। मतलब जो भी एरिया सिलेक्ट किया है इसी के अंदर ये नेविगेशन काम करेगा। मतलब मैं किसी भी जगह को मैं अभी सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए मैं इसको जगह को चिनसुरा को सिलेक्ट कर लिया हूं। सर्च करने के बाद देख सकते हैं जो चिनसुरा वेस्ट बंगाल, तो देख सकते हैं जो आ गया है ना, आ गया। तो कमल का फीचर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एरिया में आप रहते हैं तो क्या होता है, आपका साथ बहुत ही जब का भी इंटरनेट नहीं होता तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने एरिया को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। रखने के बाद आप जब भी आपको ऑफलाइन रहेगा तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना कमल का टिक। तो साथ ही साथ इस जगह में आपको जो एडवांस टिक आपको देने वाला था, जो एडवांस टिक आपको जिन लोग बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं, उन लोग ट्रैवल तो करते होंगे लेकिन इसको पता नहीं है। चलिए मैं फिर एक बार वो इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ, सॉरी मैं इंटरनेट को ऑन कर ले हूँ। और मान लो आपको कहाँ जाना है, मान लो मैं कलकत्ता से, मैं कलकत्ता से किसी जगह में जाना है, तो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ जो कलकत्ता टू गंगा सागर जाना है। तो मैं जब भी सर्च करता हूँ, और सर्च करने के बाद आप लोगों को देख पाएंगे जो क्या क्या ऑप्शन आने वाला है। तो देख सकते हैं जो आपके पास एक रूट आ गया, जिस जगह आपको देख पा रहे जो 3 hours 21 minutes रहेगा, और जिस जगह में 106 किलोमीटर है। तो इस जगह आप लोग देख पा रहे जो कॉर्नर में एक टॉप कॉर्नर में 3 डॉट है, 3 डॉट में क्लिक करने के बाद इससे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, जो रूट ऑप्शन, एड स्टॉप, सर्च अलोंग रूट स्टेट। तो आपको मैं इस जगह में जो चीज़ बताने वाला हूँ जो रूट ऑप्शन, तो रूट ऑप्शन में मैं क्लिक करने वाला हूँ। और क्लिक करने के बाद इस जगह को 3 ऑप्शन आ रहा है, एवॉइड मोटरवेज, एवॉइड टोल रोड्स, एवॉइड फेरीज। तो इस जगह में क्या होता है जो टोल, जैसे मैं टोल क्लिक कर देता हूँ और क्लिक कर दिया हूँ तो सर्चिंग होगा। सर्चिंग होने के बाद देख सकते हो वही चीज़ देखा रहा है, मतलब इसके अंदर कोई टोल शायद नहीं है, इसके वजह से ये देखा रहा है। अगर कोई भी रोड में आप जाते हैं तो उस जगह सर्च करने के बाद बहुत जगह में टोल आते हैं और फेरी आते हैं, तो उस जगह क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल ने आपको खुद ओन एक चीज़ देगा, जिस जगह से आप क्या कर सकते हैं उस जगह कोई टोल वगैरह नहीं आएगा, लेकिन टोल तो नहीं आएगा लेकिन जो रोड होगा वो शायद कुछ प्राइवेट भी रोड हो सकते हैं। और चलिए मैं दूसरा कुछ सर्च करके दिखाता हूँ जो आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं कलकत्ता टू बागनन कर लिया हूँ तो देख सकते हैं जो 1 hour 37 minutes लगेगा। तो इस जगह मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद वो रूट ऑप्शन में जाके इसको अवॉइड कर देता हूँ। तो अवॉइड करने के बाद देख सकते हैं एक मेरे को अलग रूट दिया है, और जैसे इसमें क्लिक करके मैं उसको हटा दूंगा, और जैसे मतलब मैं उसको अनटिक कर देता हूँ और डन कर देता हूँ, और डन करने के बाद देख सकते हैं जो 1 hour 20 minutes लग रहा है, मतलब दूसरा रूट आपको दे दिया है। लेकिन उसमें आप क्लिक करके मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। जैसे कि मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद और देख सकते हैं जो क्या हो गया, इसका मैं अभी प्रीव्यू करेंगे। और तो स्टेज जा रहे हैं तो देख सकते हैं,
तो सॉरी दोस्तों, इस जगह में कोई प्राइवेट रोड नहीं है, लेकिन आप लोगों का कभी कभी प्राइवेट रोड आ सकता है। और साइड में आपको एक येलो कलर का आएगा, उसमें डॉट रहेगा, तो उसको देखा देगा जो ये प्राइवेट चीज़ है, तो आप जा सकता है। तो ज़रूर ये कमल का डिस्क होने वाला है, लेकिन आप लोगों को आज तक शायद पता नहीं था, तो आपको ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप गूगल मैप इस्तेमाल करके बहुत जगह टूर करते हैं तो आपको ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।